नया चैप्टर है, क्या नाम है, हिंदी में क्या बोलते हैं, हरास इंग्लिश का वर्ड है, हरासमेंट हिंदी में कहते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, हरास भी कहते हैं हिंदी में, अदरवाइज वो इंग्लिश का वर्ड है। यूज्ड टू, तुम लोग किससे हो, हरास से हरास कर देता है आदमी को हरास, ठीक है ना। तो फिलहाल डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग क्या है, ये डेप्रिसिएशन जरा इसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं। हमने कोई फर्नीचर खरीदा जिस पर तुम लोग बैठे हो, फर्नीचर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला खरीदा, फर्नीचर होटल वाले ने खरीदा, फर्नीचर पर्सनल यूज के लिए हाउस पर्पस से लिया, सेम फर्नीचर है, ठीक है ना। बताओ कोचिंग वाले के यहाँ घर में कितना साल चल जाएगा, 2 साल 3 साल, और होटल में, देखो ना है तो वही चीज, लेकिन तुम लोगों ने इसकी एस्टिमेटेड लाइफ को अलग अलग एस्टिमेट किया, है वही चीज, बैठेंगे लोग ही, ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने उसको अलग क्यों, ऐसा क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे की कोचिंग इंस्टीट्यूट 5 साल चलेगा, क्योंकि तुम लोग घिसते हो ज्यादा होटल वाले और ज्यादा तोड़फोड़ मचाते हैं, लेकिन घर वाले बड़े शालीनता के साथ रखते हैं, बात समझ में आई। तो यहाँ पर लाइफ का ये फर्क है, पक्की बात। अच्छा चलो, तीनों एक फैक्ट्री है, यानी कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, ये 3 कंपनियां हैं, तीनों ने मशीन खरीदी, सेम मशीन सेम प्रोडक्शन होता है, ये तीनों पेन बनाने का काम करते हैं तीनों पेन बनाने का काम करते हैं। बताओ कि अगर 10 लाख की मशीन हो और तीनों लोग सेम पेन बनाने का काम करते हैं, तो तीनों लोग उसकी यूजफुल लाइफ अलग अलग मानेंगे क्या, हम कह रहे तीनों एक जैसी कंपनियां हैं, तीनों का प्रोडक्शन प्रोसेस सेम है, तीनों की कैपेसिटी सेम है, हम कह रहे हैं तीनों लोग 1-1 लाख यूनिट निकालेंगे, फिर मैंने कहा तीनों लोग 1-1 लाख यूनिट निकालेंगे, टोटल कैपेसिटी मशीन की 5 लाख यूनिट्स की थी तीनों की, और तीनों ने कहा हम लोग 1-1 लाख रुपए 1-1 लाख यूनिट्स निकालेंगे हर साल, यूजफुल लाइफ हमेशा हर आदमी की अपनी एस्टिमेशन पर बेस्ड होता है। हम बगल वाले से पूछने नहीं जाएंगे तुमने कितनी लाइफ मानी है, अरे भाई हमको लगती है कि 8 साल लाइफ है, इसको लगता है 7 साल है, इसको लगता है 2 साल है, दैट इज ओके विद दैट, बात समझ में आई। तो यूजफुल लाइफ यानी इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट कैन बी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इवन दो द एसेट इज सेम एंड द एसेट इज टू बी यूज्ड बाय द सेम टाइप ऑफ एंटिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब क्लियर है। तो ये हमारा एक चीज याद रखना कि यूजफुल लाइफ अलग अलग होती है। हमने कहा ये 10 लाख की मशीन है और इस 10 लाख की मशीन में हम 5 लाख यूनिट्स बना पाएंगे, कितना प्रोडक्शन करेंगे, ये पूरी लाइफ टाइम में है, यानी उस मशीन से जैसे ही 5 लाख यूनिट्स निकला मशीन बंद, पक्की बात है। अब एक बात बताओ, ये 5 लाख यूनिट्स निकलेंगी उस मशीन से, जैसे ही एक पेन बाहर निकली तो एक बात बताओ, तुम लोग एसी भी चला रखे हो और दरो दरवाजे भी खोल रखे हो, रीजन क्या है तुम लोगों का
दस लाख की मशीन है, 5 लाख की यूनिट्स निकलेंगी, एक यूनिट बाहर निकली, कितनी? एक। पूरे मोहल्ले वाले इस समय जुकाम हो गया उन लोग को ही नहीं समझ में आ रहा होगा इतना ठंड कहां से पड़ गया है कि नहीं। हम बताओ एक यूनिट बाहर निकली कितना रुपया डेप्रिसिएशन लग जाएगा, एक यूनिट बाहर निकलेगी डेप्रिसिएशन कितने रुपए? क्या दो? अरे बोलो ना, 2 रुपए डेप्रिसिएशन लगाओगे? लग जाएगा या लग सकता है? लगेगा। 2 रुपए डेप्रिसिएशन लगेगा, लग सकता है नहीं लग जाएगा, लगेगा। हाँ हो गया यानी 2 रुपए पर यूनिट, जैसे ही एक यूनिट बाहर निकली गिरी पेन की, मशीन 2 रुपए से कम हो गई। मशीन कितने से कम हो गई? नहीं। हाँ हाँ, मशीन 2 रुपए से कम हो गई नहीं क्या? अरे हाँ भाई, वो 2 रुपए गिरा कहाँ, गया कहाँ? नहीं, वहां से कम हुआ तो बढ़ा क्या? इसकी वैल्यू बढ़ गई, 2 रुपया वहां से निकल करके इसकी वैल्यू को बढ़ाएगा, यानी इस पेन को बनाने में जो डेप्रिसिएशन मशीन पर लगा होगा वो इसकी वैल्यू में जुड़ा हुआ है, यानी 2 रुपया वहां से निकला इसमें ऐड हो गया। अब बात समझ में आई? तो जितनी यूनिट्स निकलती जाएंगी उसके साथ साथ क्या जुड़ता चला जाएगा? डेप्रिसिएशन ऐड होता जाएगा। इसी को कहते हैं मशीन की वैल्यू में कमी होना, एसेट की वैल्यू में कमी होना। लेकिन वो जो कमी हो रही है किसी दूसरे की चीज को बढ़ा रही है, किसकी वैल्यू को बढ़ा रही है? प्रोडक्ट। अच्छा बात समझ में आई? तो हम लोग जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बेसिकली पर्पज यही है कि जो हम एसेट यूज करते हैं अपने बिजनेस में उनकी कुछ यूजफुल लाइफ होती है, और उन एसेट्स को हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं प्रोडक्शन पर्पज के लिए या सर्विसेज देने के लिए। क्या देने के लिए? सर्विसेज। जैसे इस समय हम तुम लोग को प्रोडक्शन दे रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसमें हमारी कौन कौन सी एसेट यूज हो रही? कोई एसेट नहीं यूज हो रही, ना टीवी यूज हो रही है, अच्छा ना फर्नीचर यूज हो रहा है, ना कैमरा यूज हो रहा है, ना लैपटॉप यूज हो रहा है, अच्छा सब हो रहा है। तो उनकी वैल्यू गिर करके किस पे जुड़ेगी तुम लोगों में? बात समझ में आई? तुम लोगों की कॉस्ट बढ़ेगी, जो हम प्रोडक्ट सर्विसेज दे रहे हैं उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। अब समझ में आई बात? तो डेप्रिसिएशन इसी को कहते हैं। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम होता है। क्या होता है? नॉन कैश आइटम। डेप्रिसिएशन खर्चा होता है क्या? एक्सपेंसेस होता है क्या? हाँ, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंसेस। और हमें मालूम है दो तरह के खर्चे होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी हो सकता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है। ये जो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंसेस है, ये कौन सा खर्चा है? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है क्या? क्यों? क्यों? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ऐसा खर्चा जिसको बिना घटाए या डिडक्ट किए आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। इफ यू जस्ट वांट टू हैव अ करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस सिचुएशन, यू आर नीडेड टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। You are needed to consider the amount of depreciation. बिना depreciation की amount को consider किए हुए हम पूरे खर्चे को नहीं निकाल सकते, हम अपने profit को नहीं निकाल सकते। यानी अगर हमें अपने profit को निकालना है, तुम लोगों ने देखा होगा PL account बनाते हुए, देखा होगा ना? PL account बनाए हो नहीं बनाए हो कभी? वहां पर तुम लोग income दिखाते हो, इसमें से खर्चा दिखाते हो। अब इसमें खर्चे होते हैं, cash expenses भी होते हैं और non cash expenses भी होते हैं। जो खर्चे घटाने के बाद बैलेंस बचता है उसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, हाँ या ना? ये खर्चे जिनको बिना घटाए आप प्रॉफिट पर नहीं पहुंच सकते, इनको हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो बताओ हमारा ये नॉन कैश आइटम भी क्या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो सकता है क्या? हाँ, डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश आइटम होता है और ये नॉन कैश आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसका मतलब अगर हमें किसी प्रोडक्ट की वैल्यू जानना हो तो बिना उसकी कॉस्ट में डेप्रिसिएशन को ऐड किए हम उसकी कॉस्ट नहीं निकाल पाएंगे।
यानी अगर मैं कहता हूं कि इस पेन में हमारा 5 रुपए का मैटेरियल लगा, 3 रुपए का लेबर लगा, 2 रुपए का बाकी खर्चा लगा, क्या लगा, तो इसको हम कहते हैं कैश एक्सपेंसेस, कितना 10 रुपए। और अब हम इस पेन को कितने में बेच रहे हैं, 12 रुपए में, तो प्रॉफिट कितना हुआ, गलत, क्योंकि हमने तो इसमें नॉन कैश आइटम जोड़ा ही नहीं, डेप्रिसिएशन जोड़ा ही नहीं। ये गलत फैमिली में मत जियो, गलत फैमिली में मत जियो। इसमें हमको कोई और खर्चा ऐड करना है, कौन सा खर्चा ऐड करना है, डेप्रिसिएशन, कितना था, तो अब जाकर ये 12 रुपए हुआ, तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है 0। अब बात समझ में आई, यानी फॉर द पर्पस ऑफ हैविंग द करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वी आर नीडेड टू ऐड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन आवर टोटल कॉस्ट, इट विल बी एडेड इन आवर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट योर प्रॉफिट और लॉस। तो इसके लिए ही हमें यहां पर जोड़ना पड़ता है, यानी कि हमको अगर सेल प्राइस तय करना हो तो भी हमें बिना डेप्रिसिएशन के सेल प्राइस तय नहीं कर पाएंगे। अगर हमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते हैं या कॉस्ट में ऐड नहीं करते, इनकम में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस ना करो या उसको कॉस्ट में ना जोड़ो खर्चे को, तो हम सही सही प्रॉफिट या लॉस की सिचुएशन नहीं जान पाएंगे। अब समझ में आई बात। सर ये नॉन कैश आइटम कैसे है, आप हमें ये बताइए, बता सकते हो कैसे? अरे सर ये ये नॉन कैश आइटम है, हाँ ये रटा हुआ है सर, लेकिन कैसे? सर हम लोग एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश होते हैं सर, कैश फ्रॉम ओवर द प्रॉफिट। हाँ बोलो बोलो बोलो। कैश गलत बोल रहे हो, ये सही बोल रहा है, डेप्रिसिएशन। हम लोग अगर चाय पीते हैं, देखो चाय है, क्या एंट्री करेंगे, टी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना रुपया, 20 रुपए, हाँ या ना? तो यहां कैश जाते हुए दिख रहा है, दिख रहा है, इट्स अ कैश आइटम, इट्स अ, लेकिन डेप्रिसिएशन जब चार्ज करते हैं तो तुम लोगों ने अगर कॉमर्स साइड से बैकग्राउंड है तो तुम लोग यहां पर लिखते हो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, हाँ या ना? कैश तो जा ही नहीं रहा कहीं, टू कैश कहीं है ही नहीं। ये भी हमारा साल के अंत में पीएल अकाउंट डेबिट टू टी हो जाएगा, और ये भी हमारा साल के अंत में पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन हो जाएगा। बोथ विल ट्रांसफर इन आर पीएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट द फर्स्ट वन इज आर कैश आइटम एंड द सेकेंड वन इज नॉन कैश आइटम। क्लियर हुआ? ये हमारा कैश आइटम है क्योंकि कैश जाते हुए दिख रहा है, यहां पर कैश जाते हुए दिख, बल्कि ये मशीन की वैल्यू को कम कर रहा है। मैंने कहा ना एक पेन निकली, मशीन की वैल्यू कम हो गई, वो 2 रुपए जो कम हुआ कहाँ ऐड हो जाएगा, किस में ऐड हो जाएगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट में, तो हमने देखो उसको कॉस्ट में ले गए, खर्चे में ले गए। अब समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, पक्की बात है? तो एक चीज तो तय हो गया कि हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में, क्योंकि बिना डेप्रिसिएशन को रखे हम आगे कैलकुलेशन कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हाँ या ना? जो डेप्रिसिएशन निकलता है वो टेंजिबल एसेट्स पर कैलकुलेट किया जाता है, किस पर किया जाता है, ऐसी एसेट्स जो दिखती हैं, जिनको टच किया जा सकता है, जैसे फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, हाँ जमीन पर कभी डेप्रिसिएशन नहीं होता, लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं होता, सुन लो इधर मैं लिख देता हूं, नो डेप्रिसिएशन ऑन लैंड, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जहां पर जमीन पे भी डेप्रिसिएशन लगता है, क्या बोला मैंने, एक्सेप्ट लीज, ठीक है ना, पक्की बात है? तो ये याद रखना, जमीन पर नॉर्मली डेप्रिसिएशन नहीं लगता। क्लियर हुआ? बोलो भाई, किराया, पट्टा, लॉन्ग टर्म का किराया, 100 साल, 90 साल, 30 साल, 40 साल, 36 साल, अगर हम जमीन पट्टे पर ले लें
तो उस पर सीखेंगे, चिंता मत करना, अभी उस पर मत जाओ, बस इतना याद रखो। नॉर्मली लैंड पर हमारा डेप्रिसिएशन नहीं लगता, लीज पर लगता है। एक चैप्टर पढ़ोगे तुम लोग अलग से, उसके लिए टेंशन ना लेना। क्लियर हुआ? अच्छा, दो वर्ड सुनने को मिलेंगे तुम लोगों को, डेप्रिसिएशन एंड डिप्लेशन। क्या फर्क है दोनों में, डिप्लेशन एंड डेप्रिसिएशन में, कोई बताएगा हमको? हाँ बोलो बोलो। डेप्रिसिएशन हम लोग किसी भी चीज पे निकाल चार्ज कर देते हैं, लेकिन डिप्लेशन हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज पे। डिप्लेशन को हिंदी में कहते हैं रिक्तिकरण, जिसको लिखना होगा लिखेगा। क्या होता है डेप्रिसिएशन, सुन लो, ये मशीन है, 5 साल इसकी लाइफ है, 1 लाख रुपए की मशीन थी, अब हम हर साल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। नॉर्मली देखो तो तुम लोग कहोगे सर 20,000 चार्ज कर लीजिए, हाँ या ना, 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा, बड़ा आसान है। दूसरा होता है डिप्लेशन। हमने एक जमीन ली जिसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, चलो कोयला ही ले लेते हैं, हमने छोटा सा फिगर ले ले रहे हैं, 100 टन कोयला है, ठीक, 100,000 होगा लेकिन हम 100 टन मान ले रहे हैं तुम लोग को समझाने के लिए। पूरी जमीन में कितना है, 100 टन कोयला है, और हमने इसके लिए जो रॉयल्टी पे की है 5 रुपए पर टन के हिसाब से, यानी 500 रुपए पे की है, कितना रुपया पे किया है, अब 500 रुपए हम दे दिए, जमीन अब मेरे हाथ में है, कोयला निकालना है। हमने पहले साल 20 टन कोयला निकाला, इसका मतलब कोयला जमीन से खाली हो गया, हाँ या ना, उतना खाली हो गया ना, उतना हमने यूज, तो इसका मतलब हमने 100 रुपए का एसेट यूज कर लिया, क्योंकि 1 टन के लिए 5 रुपए मैंने दिया था, हाँ या ना, 20 टन के बदले कितना दिया होगा, 100 रुपया, इसका मतलब हम वो 100 रुपए यूज कर लिए, यानी अभी भी मेरी एसेट कितने की पड़ी हुई। दूसरे साल हमने 30 टन कोयला निकाल लिया, तो इसका मतलब हमने 150 रुपए का जमीन यूज कर लिया, हाँ या ना, अब मेरे पास कितना बचा, अच्छा थर्ड ईयर में मैंने पूरा 50 टन निकाल लिया, इसका मतलब पूरा 250 मैंने जमीन को यूज कर लिया, हमारे पास एसेट नहीं बची। अब समझ में आया, यानी खाली होता गया, आपने उसको डेप्रिसिएशन चार्ज करते गए, बट हेयर द डेप्रिसिएशन इज नोन एज डिप्लेशन। क्या कहते हैं उसको, डिप्लेशन, खाली करते हैं जिसको, जो एसेट्स खाली होती चली जाती हैं, और नॉर्मली नेचुरल रिसोर्सेज की बात होती है, जिसके लिए हमको जितना राइट मिला है उतना यूज करते जाएंगे, उतना हम डिप्लेशन ट्रांसफर करते जाएंगे। इज इट क्लियर, दोनों में फर्क समझ में आया? अब वापस आते हैं चैप्टर का, ये बैकग्राउंड बताना जरूरी था। अब सुने, डेप्रिसिएशन मीन्स व्हाट, सुने, ग्रेजुअली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट is known as depreciation. Gradually decrease in the value of asset is known as depreciation. किसी assets की value में क्रमशः, gradually नहीं धीरे धीरे, किसी assets की value में धीरे धीरे होने वाली कमी को हम depreciation बोलते हैं। क्या बोला मैंने, किसी एसेट्स की वैल्यू में धीरे धीरे होने वाली कमी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पक्का ना? रीजंस क्या हैं डेप्रिसिएशंस के, उसमें काफी चीजें तुम लोग को अब समझ में आएंगी। पासिंग ऑफ टाइम, मतलब सर हमने एक फर्नीचर खरीदा, सुन लो,
और उस फर्नीचर को हम एक साल से अपने पास रखे हुए हैं, 5 लाख रुपए में खरीदा, अब हम उसको बेचना चाह रहे हैं, कितने में बिकेगा? 6 लाख में, 7 लाख में, क्यों 5 लाख से कम पे बिकेगा? हाँ देखो ना, 5 लाख में नहीं बिकेगा, 5 लाख से कम में बिकेगा। क्यों भाई? हमने तो यूज ही नहीं किया, यूज नहीं किया तब भी डेप्रिसिएशन लगा एक तरह, यानी क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू में कमी आ गई, ओनली बाय पासिंग ऑफ टाइम। तो टाइम बीतने से भी एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है। आने दो, एसेट्स को यूज करने से भी हमारी एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है, तो पक्की बात है। थर्ड, वियर एंड टियर, टूट फूट। जितनी ज्यादा टूट फूट होगी एसेट्स की लाइफ, उतनी जल्दी गिरती चली जाएगी, उतनी वैल्यू उसकी कमी होती जाएगी। जिस पर तुम बैठे हो उसका एक डंडा टूटा हुआ है तो वो डर डर कर बैठेगा, यानी उस एसेट्स की वैल्यू बड़ी तेजी से कम हुई है, भले ही हमने उसको प्लास्टर लगाकर, मतलब ठोक करके सीधा कर दिया, लेकिन बावजूद इसके उसकी वैल्यू कम हुई। पक्की बात है ना? टू नो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर हमारे प्रोडक्ट की सही कॉस्ट जाननी है तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, बता दिया हाँ या ना? ये भी एक रीजन है कि हम डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, क्योंकि हमें इस प्रोडक्ट की सही कॉस्ट जाननी है। वो जो 2 रुपया मशीन ब्रश करके आया, तो वो जो 2 रुपये तुमने मशीन की वैल्यू गिराई है ना, वो कहाँ जाकर ऐड हो गई? प्रोडक्ट में ऐड हो गई, हाँ या ना? इसी को कहते हैं टू नो द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझ लोगे तो डिटरमाइन करना आसान हो जाएगा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट सही मिलेगी तभी तो सेल्स प्राइस सही पता कर पाओगे, कॉस्ट ही हमें गलत मिल जाएगी तो सेल्स प्राइस कहां से पता कर पाओगे? टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस, अरे जब कॉस्ट निकाल लिए, सेल प्राइस निकाल लिए, तो प्रॉफिट तो आराम से आ जाएगा। टू नो द प्रॉफिट सिचुएशन, कभी कभी जैसे हम गए मार्केट में, मैंने कहा लैपटॉप देना, तो उसने कहा कौन सा चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दो, उसने कहा i7 आया है, क्या आया है? मैंने कहा दे दो, i7 लिया मैंने, उसको 1.5 लाख रुपए दिए, घर पे आए, मैंने घर वालों को बैठाया, मैंने कहा देखो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आओ इस पर न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ चलाई तो उसमें लिखा आया कि i9 मार्केट में आ गया अभी वहां से लेकर घर तक चौंपे तब तक क्या बोल रहा है? i9 आ गया। अब i7 में देख रहा था तब तक i9, मैंने तो उसको बोला था लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो, और घर आते आते वो टेक्नोलॉजी क्या हो गई जो हम ले आए? पुरानी हो गई, है कि नहीं? तो ये पुरानी टेक्निक होने पर, पुरानी टेक्नोलॉजी होने पर भी हमारी एसेट्स की वैल्यू में बड़ी तेजी से गिरावट होती है। देखते हो ना कि जो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है उसकी वैल्यू गिर जाती है, कम हो जाती है, आउटडेटेड है, कौन खरीदेगा? भैया जल्दी से इसको निकालो, नई टेक्नोलॉजी आ गई। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑब्सोलेसेंस, यानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। अच्छा, लास्ट, the last and the most important, सुन लो,
replacement of old asset with new one. सर समझ में नहीं आई बात. मैंने कहा कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने का ये भी एक रीजन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है. नॉर्मली लोग इसको डिटेलिंग नहीं कर पाते, यानी कि आप समझा नहीं पाते या समझ नहीं पाते कि रीजन क्या है. हमने कहा डेप्रिसिएशन चार्ज किया तुमने 2 रुपया, मशीन की वैल्यू 2 रुपए, किसकी वैल्यू 2 रुपए, और वो 2 रुपए हम कहां ट्रांसफर किए थे, पीएल में ट्रांसफर किए किए ना. उस जरा ये बताओ वो 2 रुपए जो हर यूनिट पर निकलता जा रहा है क्या मेरे पास जेब में इकट्ठा हो रहा है इंसान, वो खर्च हो जा रहा है, एक्सपेंसेस है, वो क्या है, एक्सपेंस है. लेकिन हम यहां लिख रहे हैं रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड एसेट विद न्यू वन. अब मैं बताऊं जो तुम लोग सोच रहे हो ना गलत सोच रहे हो. जो 2 रुपए हम निकाल करके पीएल से माइनस कर रहे हैं, बेसिकली वो पैसा कहीं जा नहीं रहा, मेरी जेब में ही रुक रहा है. नहीं समझ में आई. अरे नहीं समझ में आई. सुनो, हमारे पास एसेट कितने की थी, 2 लाख की. 2 रुपए पर यूनिट हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. ये हमारा पीएल अकाउंट है, आया ना. इसमें मैंने लिखा टी, इसमें मैंने लिखा परचेज, इधर मैंने लिखा सेल, चलो इधर मैंने लिखा सैलरी, ये सब खर्चे हैं ना. इधर मैंने लिखा इंटरेस्ट, मेरी बात समझना. ये पीएल अकाउंट है, इनकम एक्सपेंडिचर है, ये सारे कैश में गए. तो हम मान लेते हैं मेरे पास 10 लाख रुपए की सेल थी, 6 लाख रुपए का ये कैश चला गया और डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज किया 2 लाख रुपए. कितना, अब बताओ नेट प्रॉफिट कितना बचा, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. एनी हाउ वी आर नीडेड टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू नो द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस. यानी 2 लाख रुपए सही जानने के लिए जरूरी है कि 2 लाख रुपए को घटाया जाए. चेंज कर देते हैं, 3 लाख कर देते हैं और 1 लाख, कि 1 लाख रुपए के सही प्रॉफिट को जानने के लिए जरूरी है कि 3 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन किया जाए. हाँ या ना. ये हमने 3 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, उसके बाद ही हम सही प्रॉफिट निकाल पाएंगे. अब हमसे पूछेगा, कोई पूछता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, तो हम कहेंगे 9 लाख. कितना रुपया, मैं कहूंगा कितना रुपया, 9 लाख. 6 लाख रुपए कैश वाला गया, 3 लाख रुपए नॉन कैश वाला गया, यानी टोटल कॉस्ट जो लगी हमारी पेन बनाने में साल भर में कितनी लगी, कितनी लग गई, पक्का. अब मैं तुम लोगों से कहता हूं हमारे पास टैक्स माइनस कर दो, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आया ना, मान लेते हैं टैक्स चला जाएगा 50%. कितना, तो 1 लाख बचा हुआ था, 50,000 गया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा, 50,000. अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं. मेरे पास प्रॉफिट है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, दिख रहा होगा 4 लाख. टोटल प्रॉफिट कितना है डेप्रिसिएशन और टैक्स देने के पहले, 4 लाख. हाँ या ना. इसमें से मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया कितना, तो हम कहेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देने के पहले ये आया कितना, 1 लाख. अब इस 1 लाख में से टैक्स माइनस कर दो, तो टैक्स हमने माइनस किया था ऊपर अभी कितना, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा था, अरे हाँ या ना. तो हम लोग के पास ये 3 फिगर्स आई थी, देखो तो 3,50,000 आया था ना, पक्का. अब हम तुमसे पूछें व्हाट इज द नेट प्रॉफिट, क्या जवाब दोगे, व्हाट इज द, हम कह रहे हैं व्हाट इज द नेट प्रॉफिट, 50,000. अगर मैं पूछूं व्हाट इज द कैश प्रॉफिट, कितना है कैश प्रॉफिट, कितना है, अरे भूल लो ना. अब इससे आसान क्या बोल सकते हैं, क्या दे सकते हैं भाई,
हम तो सीधे सीधे सारी चीजें बता दी, हमको कहा देख रहे हो, उधर देखो ना घूर रहे हो, हमको कच्चा खाचा ओके का बता, बोलने दो। मैंने कहा हमारे पास कितना था, उसमें से डेप्रिसिएशन मैंने माइनस किया 3 लाख, 3 लाख, अब ये मान लो 4 लाख रुपए मेरी जेब में था, कितना था देखो ना, 10 लाख में से 6 लाख माइनस किया तो जेब में कितना बचा 4 लाख, अब 4 लाख में से मैंने 3 लाख डेप्रिसिएशन का माइनस किया तो अब मेरे पास कितना बचा, 1 लाख बचा, 1 लाख में से मैंने 50,000 टैक्स दे दिया तो जेब में कितना बचा 3.5, वो 3 लाख तो कहीं गया ही नहीं था भाई, नॉन कैश आइटम होता है ना, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होता, कौन सा जेब से पैसा चला गया, जेब में 4 लाख रुका, 3 लाख मैंने डेप्रिसिएशन का अलग कर लिया तो इस जेब से निकाला जेब में डाल दिया दूसरे, तो मेरे ही पास है, कोई ले नहीं गया हमसे, डेप्रिसिएशन का पैसा हमसे कौन ले जाएगा भाई, वो तो मेरी एक जेब से निकल करके दूसरी जेब में चला गया, अरे बोल लो। तो अब मेरे पास कितना बचा डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद कितना कैश बचा, पूरा 4 कहां कुछ गया भाई, 4 लाख में से 3 लाख माइनस कर दिया कितना बचा 4 लाख, कैश तो कहीं गया ही नहीं कैश कहां गया, कहीं नहीं गया, अब मेरी ऊपर वाली जेब में कितना बचा 1 लाख, 1 लाख ऊपर वाली जेब में कितना बचा 1 लाख, हाँ या ना, उसमें से मैंने टैक्स दे दिया तो क्या टैक्स देंगे तो पैसा निकल जाएगा क्या, हाँ, तो अब जेब में कितना बचा 3.5 लाख, 50,000 इस जेब में, 3 लाख इस जेब में, 3.5 लाख, अरे नहीं समझ में आई बात, तो ये भ्रम मत पालना कि डेप्रिसिएशन चार्ज होने से कैश निकलता है, अगर कोई पूछता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश प्रॉफिट तो आपका आंसर होगा ये कैश प्रॉफिट मेरा 3.5 है और नेट प्रॉफिट कितना है, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हेनेवर समवन आस्क फ्रॉम यू व्हाट इज द नेट प्रॉफिट यू विल टेल हिम 50,000, व्हाट इज द कैश प्रॉफिट यू विल टेल 3,50,000, क्योंकि 4 लाख में केवल 50,000 ही जेब से टैक्स निकला है, बाकी 3 लाख भी मेरे ही पास है डेप्रिसिएशन वाला, 50,000 जो बच गया है प्रॉफिट वो भी मेरे ही पास, अब समझ में पक्की बात है, अब तो डाउट नहीं, ये जो पैसा इकट्ठा हो रहा है ना देखो ना 3.5 लाख मेरे जेब में कितना बच गया 3.5, यानी ये 3 लाख कहीं गया नहीं, ये रहा रहा रहा, इससे हम क्या खरीदेंगे, नई एसेट्स खरीदेंगे भाई, ऐसा थोड़ी एक एसेट खरीद ली पुरानी हो गई एसेट, क्या हो गई खराब हो गई आउटडेटेड हो गई, तो अब उसको हटा करके हम नई एसेट ले आ रहे हैं तो हम कहते हैं बड़ा नुकसान हो गया, खूब पैसा जा रहा है एसेट खरीद में, अरे कुछ नहीं जा रहा जेब से, कहां जा रहा है जेब से, वो तो तुम पुरानी एसेट्स को यूज कर रहे थे उसका डेप्रिसिएशन तुम अपने प्रॉफिट में से माइनस कर रहे थे, वो प्रॉफिट तो तुम्हारी जेब में ही है, उसी में से तुम नई मशीन खरीद रहे हो, कहां तुम अपने जेब से पैसा लगा रहे हो जब तक कि नई मशीन एक्स्ट्रा ना खरीदो, अब समझ में आई, तो इसीलिए कहा जाता है रिप्लेस करने के लिए पैसा काम आता है, किसके लिए काम आता है, रिप्लेस करने के लिए काम आता है पैसा, तो इसका मतलब तुम लोगों को अब अगर मैं थोड़ा और एडवांस लेकर के चलूं उतना समझ में तो आना नहीं चाहिए, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि समझ में आ जाए, कोशिश करने में कोई बुराई तो है नहीं, शायद समझ में आ ही जाए, तुमने कहा सर हमारी जेब में 3 लाख रुपया कैश रह गया तो इसका मतलब बैलेंस शीट में हमारा कैश एंड बैंक कितना दिखाएगा, कम से कम अगर मेरी जेब में 3.5 लाख रुपया बच गया, तुम लोगों ने खुद कहा जेब में कितना बच गया 3,50,000, तो बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक कितना दिखा, इतनी मार खाओगे तुम लोग, कहीं चला गया पैसा, वो बात खत्म नहीं गया ना, है तो मेरी जेब में ना, तो कैश कितना रहना चाहिए मेरे पास 3.50 प्लस रहना चाहिए, पुराना भी हो सकता है पैसा पड़ा हो, हमने कोई एसेट बेच करके कैश लिया हो, कुछ भी और भी हो सकता है, किसी से उधार लिया हो वो भी आ गया हो, तो 3.50 तो कम से कम पड़ा रहेगा मेरी बैलेंस शीट में, ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई कि कम से कम अगर 3.50 में कमा रहा हूं कैश प्रॉफिट तो कैश प्रॉफिट कैश इन बैंक में 3.50 का दिखना चाहिए, दिखना चाहिए, लेकिन होता क्या है एक्चुअल लाइफ में ये 5,000 भी दिख सकता है, प्रैक्टिकल में कितना दिख सकता है, तू गया कहां,
बोलने दो, कुछ भी बोलने से काम नहीं होगा। अभी मान लो मैं रास्ते पर जा रहा हूं, मुझसे किसी ने कहा 1000 रुपए दीजिए, तो मैं वापस आकर दूंगा या उसी समय जेब से निकाल करके दूंगा? क्या मैं उस नोट पर देखूंगा ये मेरे बिजनेस का पैसा है या घर का पैसा है? क्या उस नोट पर लिखा रहता है क्या? मैंने वो दे दिया तुरंत। मुझे कोई माल खरीदने जाना है, मेरे पास किसी दूसरे बिजनेस का पैसा पड़ा हुआ है, मेरे पास 50,000 पड़े हुए हैं, यहाँ का 10,000 है, 40,000 कहीं और का पड़ा हुआ है। अब मैंने माल खरीदा यहाँ के लिए, इस बिजनेस के लिए, मैंने 30,000 दे दिया, तो उस 50,000 में दिया होगा ना। अब वो क्या कहीं का भी पैसा हो, कहीं का भी पैसा हो, हम पैसा देते समय ये नहीं देखते कि पैसा कहाँ से आया, किसका है, किसका नहीं है, पैसे पर नाम नहीं लिखा है किसी का। अपना काम करके अपना बिजनेस करते हैं। सैलरी मांगने आएगा कोई, सैलरी दे देंगे। टूर सेंटर पर जाना होगा तो उसका पैसा खर्च करेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस होगा तो ऑफिस एक्सपेंसेस करेंगे। स्टेशनरी का खर्चा करेंगे, टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी का पैसा भरेंगे, उसी से ही भरेंगे। हाँ या ना? तो पैसा जो होता है ना वो रुकता नहीं है। दूसरे लोगों को हम एडवांस देते हैं, ये लो एडवांस, हमको माल बेचना तुम अगले महीने। हाँ या ना? अब देखो उस पैसे का हम क्या यूज कर रहे हैं, बिजनेस में कर रहे हैं, एडवांस देने में लगा दिया मैंने। तो हो सकता है 3,50,000 के 5,000 दिखे, क्योंकि मैंने उसको बिजनेस में यूज कर लिया। और पैसा जब जेब में रहता है तो हम कहीं जाते नहीं है। अरे पैसे की जरूरत होती तो मुझे बैंक में जाना पड़ता। अरे मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है डेप्रिसिएशन के नाम का, मुझे दिख नहीं रहा डेप्रिसिएशन के नाम का, लेकिन है तो मेरी जेब में ना, हमें नहीं मालूम वो डेप्रिसिएशन का है। किसी को सुने हो क्या, अरे नहीं ये पैसा डेप्रिसिएशन वाला है? नहीं नहीं, ऐसा कभी सुने हो क्या? तो बात खत्म, उसको मालूम ही नहीं ना डेप्रिसिएशन वाला पैसा है। तो खर्च करता जाता है बिजनेस में, उसको पता ही नहीं चलता। और बाद में जब मशीन खरीदता कहता है, अरे इस बार एसेट खरीद लिए, जेब से पैसा निकला। अरे कहां जेब से निकला? तुमने तो वो पैसा जो डेप्रिसिएशन के नाम से पैसा जेब में रखा था वो तुमने अपने बिजनेस में लगाया, उल्टा तुमने उससे प्रॉफिट कमाया और उस पैसे को बढ़ा रहे हो, और उसके बाद कर रहे हो घाटे में जा रहे। अब बात समझ में आई? तो उसी पैसे को आप सर्कुलेट करते रहते हैं। अब ये कहना कि सर अगर 3,50,000 कैश प्रॉफिट हुआ है तो एटलीस्ट वी शुड हैव 3,50,000 एज आवर कैश बैलेंस, इट इज अ रॉन्ग परसेप्शन। तो हो सकता है 5,000 हो सकता है, निगेटिव भी हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो पैसा मार्केट में सर्कुलेट करता रहता है, आता और जाता रहता है। अब बात समझ में आई? ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया, पहला डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। जब किसी एसेट्स की वैल्यू में धीरे 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 कमी होती है तो हम उसको डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। क्या रीजन है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के? मैंने 8 रीजन आपको बताए। पहला मैंने बताया, अगर टाइम बीतता है तो डेप्रिसिएशन लगता है, अगर किसी एसेट को यूज करते हैं तो डेप्रिसिएशन लगता है, वियर एंड टीयर होता है तो डेप्रिसिएशन लगता है, प्रॉफिट सिचुएशन जाननी हो सही तो उस समय हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानना हो तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है, ऑब्सोलेसेंस की सिचुएशन में भी हमें डेप्रिसिएशन, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होने पर भी हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है, और लास्ट मैंने बताया कि अगर हमें एसेट्स को रिप्लेस करना है पुरानी एसेट्स को नई एसेट्स के साथ तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। क्लियर है? डेप्रिसिएशन कैश आइटम होता है, नॉन कैश आइटम होता है। डेप्रिसिएशन टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों पर लगता है, केवल टेंजिबल पर लगता है। अब क्लियर है ना? ये सब हो जाएगा अब तुम लोगों से, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है कुछ भी। डेप्रिसिएशन के को चार्ज करने के कई मेथड्स होते हैं। क्या होते हैं? मेथड्स टू चार्ज डेप्रिसिएशन, मेथड्स टू चार्ज डेप्रिसिएशन। अगर नाम सुना हो तो, कोई नाम सुना है? कौन सा मेथड? दूसरा? तीसरा? नाम सुना होगा SLM मेथड, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका एक और नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। सेकंड WDV मेथड,
जिसको हम लोग कहते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। सम ऑफ इयर्स डिजिट मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, प्रोडक्शन आर्स मेथड, एन्यूटी मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, ये हमारे मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, कितने जो आप लोगों को ध्यान देने हैं, ठीक है ना। नाम सुना था कि नहीं सुना था? कितने मेथड्स हैं, ये मेथड्स आप लोगों को दिमाग में रखने हैं। WDB मेथड, SLM मेथड, WDB मेथड, SLM मेथड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, एन्यूटी मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, प्रोडक्शन आवर्स मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, ठीक है ना। तो ये आपके मेथड्स हो गए, नोट हो गया। अरे चल नहीं, चलो हम पहले बात करेंगे SLM मेथड की, इत्मीनान से समझाएंगे, क्योंकि SLM मेथड को समझाने में हमको वो सारे पॉइंट्स आपको समझाने पड़ेंगे जो हमको अलग से समझाने पड़ते, तो हम अलग से ना समझाकर SLM मेथड को समझाएंगे तो उसके सारे पार्ट्स अपने आप कवर हो जाएंगे, ठीक। जैसे मान लो मैंने एक एसेट खरीदी, कॉस्ट ऑफ द एसेट थी 10 लाख रुपए, कितनी 10 लाख रुपए की मैंने एसेट खरीदी और उसकी यूजफुल लाइफ या इकोनॉमिक लाइफ 5 साल है, हाँ या ना। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यही लिया, बताओ हर साल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करें SLM मेथड से। अगर 10 लाख की एसेट्स है, 5 साल चलेगी, इसका मतलब हमें हर साल 2 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में 2, सेकंड ईयर में 2, थर्ड ईयर में 2, फोर्थ ईयर में 2, लास्ट ईयर में 2। कैसे करना पड़ेगा जरा ढंग से सुनना। जब हम एसेट बाई करते हैं क्या एंट्री करते हो? एसेट अकाउंट डेबिट। एसेट जब खरीदते हैं तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कितना रुपया गया? 10 लाख। कोई दिक्कत है इसमें? एसेट खरीदते हैं तो ये एंट्री करते हो ना कि कुछ और करते हो? अब साल के अंत में हमने इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, क्या एंट्री करते हो? डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री करते हो? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश तो नहीं करते ना, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। और हमने कहा हम लोग SLM मेथड से चार्ज कर रहे हैं, तो पहले साल में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 2 लाख रुपए। जरा देखो कि ये जो एसेट थी मेरे पास कितने की डेबिट थी,
एसेट थी वो अब क्रेडिट हो गई कितने से, तो अब हमारे पास एसेट कितने की बची, यानी अब हमारे पास एसेट्स का बैलेंस बचा 8,00,000। पक्की बात, क्योंकि 2,00,000 कहां चला गया, एसेट से निकल करके डेप्रिसिएशन में चला गया, और डेप्रिसिएशन निकल करके कहां चला जाता है, पीएल में चला जाता है, कॉस्ट बढ़ा देखा देता है सामान की। यही तो बताया मैंने, डेप्रिसिएशन निकल करके साल के अंत में कहां चला जाता है, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। समझ में आई बात, ये फर्स्ट ईयर की जर्नल एंट्री है। अब सेकंड ईयर में करते हैं, सेकंड ईयर में एसेट तो दोबारा खरीदेंगे नहीं, एसेट तो वही चल रही है, सेकंड ईयर में केवल डेप्रिसिएशन लगेगा। साल के अंत में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, टू कैश तो करेंगे नहीं, 2,00,000 फिर से चार्ज किया। देखो ना, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है, एसएलएम मेथड का मतलब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है, 2,00,000, 2,00,000, 2,00,000 डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होगा। क्यों भाई, अब एक बात बताओ, हमारे पास एसेट पड़ी हुई थी कितने की, उसमें से फिर 2,00,000 निकल गया देखो, तो इसके बाद हमारे पास जो एसेट बची रहेगी वो एसेट का बैलेंस होगा केवल 6,00,000। क्यों, एसेट बैलेंस रहेगा 6,00,000 इस डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद। अच्छा, अब इस डेप्रिसिएशन को कहां ट्रांसफर करेंगे, पीएल में ट्रांसफर करते ही करते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, कितना, थर्ड ईयर में क्या करेंगे, थर्ड ईयर में क्या करोगे, फिर से डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट 2,00,000। अब बताओ हमारे पास इस डेप्रिसिएशन को देने के बाद एसेट कितने की बचा, क्योंकि ये 6,00,000 में से 2,00,000 फिर चला गया, तो एसेट बैलेंस मेरे पास रहेगा 4,00,000। इस डेप्रिसिएशन को हम कहां ट्रांसफर कर दें, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। फोर्थ ईयर में क्या एंट्री करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट कितने से, अब इस जैसे ही एंट्री पास करोगे 2,00,000 रुपए हमारी फिर एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, अब हमारे पास एसेट का बैलेंस कितना बचा, और इस डेप्रिसिएशन को कहां ट्रांसफर कर दोगे, अब आते हैं किस साल, लास्ट ईयर, फिफ्थ ईयर, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट 2,00,000। जैसे ही ये एंट्री हुई, एसेट कितने की बची, एसेट बची 0 की, और इसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, अब समझ में आई एंट्रीज। चलो, ये तो बहुत ज्यादा एंट्रीज होंगी ही होंगी, ये बेसिक क्वेश्चन था, 0 मतलब ये समझ लो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहा था कैसे हो रहा है। हाँ या ना, अच्छा, हमने एक चीज देखी, जब हमने डेप्रिसिएशन निकालना था हमने लिखा डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एसेट, क्या लिखा, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। तुम लोग को यह भी तो मालूम है कि जब एसेट्स की एक लाइफ तय हो जाती है तो उसके बाद वो एसेट काम नहीं करती। जैसे मान लो हम ये पंखा लेकर गया है, और जब हम मिस्त्री से कह रहे थे पंखा लगाओ, मिस्त्री पंखा लगा रहा था, तो मैंने कहा ये पंखा 5 साल तो चल ही जाएगा, और जैसे ही मैंने ये बोला, ये बात किसने सुन ली, पंखे ने पंखे ने सुन ली, और जैसे ही 5 साल बीता काम करना उसने बंद कर दिया। हाँ, तो ऐसे कैसे चलेगा जब उसकी लाइफ ही तुम 5 साल बांधे थे, और हैं लाइफ चेंज हो सकता है,
हमें ये बात नहीं समझ में आई, एसेट्स की वैल्यू जीरो हो गई 5 साल बाद। ये पंखा था मान लो 2-10 लाख रुपए का, मान लेते हैं, ठीक है ना, केजरीवाल की तरह 10 लाख का पंखा था, जीरो हो गया, बताओ क्या करें? बेच देंगे, ऐसे कैसे, जीरो हो गया ना, चलेगा क्या पंखा? हैं? अरे भाई 15-15 साल चलते, फिर आने दो तो, आने दो, हम जहां तक चहुपाना चाहते हैं वहां पहुंचाने दो। जैसे ही मैंने बोला ये पंखा 5 साल चलेगा, 5 साल बाद वो काम करना बंद कर देगा, ऐसा नहीं है, वो पंखा चलता रहेगा, हो सकता है 5 साल और चले। मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में, बैलेंस शीट में वो अब पंखा है ही नहीं, है ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में वो पंखा है। बैलेंस शीट में उसका नामो निशान नहीं है, उसके बावजूद वो पंखा तुम लोग को हवा दे रहा है, क्या करें? तो हम लोगों ने अकाउंटिंग गलत की या सही की? सही, क्या दिक्कत है इसमें? तो ये चीज दिमाग में बैठा लो, अगर कोई एसेट बैलेंस शीट में नहीं दिखती है, इसका मतलब वो एसेट फिजिकली अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं बोला जा सकता। इसके अलावा भी एसेट्स हो सकती हैं, ठीक है ना, जिनकी वैल्यू भले जीरो हो गई हो, बट दोस एसेट्स आर स्टिल इन अ वर्किंग कंडीशन, वो एसेट अभी भी बिजनेस को फायदा दे रही है और चल रही है, लेकिन अब उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। बात समझ में आई? उनकी यूजफुल लाइफ ओवर हो चुकी है। अच्छा, एक चीज तो ये क्लियर हुई। अगर मान लो ये पंखा चलना बंद कर दे, 5 साल के लिए मैंने सोचा था, 3 साल बाद भी तो बंद हो सकता है, 2 साल बाद भी तो भुकभुका सकता है, हाँ तो ठीक है, तो उस एसेट को बेच देंगे, मिल गया पैसा तो ठीक, नहीं तो लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लिखते हो ना, है ना। हो सकता है 4 साल बाद इस एसेट की वैल्यू हमारे पास कितनी बची थी, 4 साल बाद 2 लाख, हम इसको कितने में बेच दे, चलो हमारा मन आज ही कर रहा है बेचने का, खराब नहीं हुआ पंखा, लेकिन हम करें बेच दो, कितने में बेचे? 2 लाख, 2 लाख प्लस 2 लाख, 1 लाख में भी बिक सकता है, 1.5 लाख में भी बिक सकता है, 2 लाख में भी बिक सकता है, 2.5 लाख में भी बिक सकता है, और 4 लाख में भी बिक सकता है, 6 लाख में भी बिक सकता है। इससे क्या लेना देना भाई? मेरे घर पे कार खड़ी है, तुम आए, मैंने कितने में खरीदी थी? 15 लाख में, 4 साल पहले मेरे हिसाब से उस पर डेप्रिसिएशन लग गया 6 लाख, मेरे पास अभी भी उसकी वैल्यू कितनी बची है? 9 लाख। तुम कार खरीदने आए तो कहोगे कि अपनी बुक्स दिखाइए, अरे तुम अपना चेक करो कितना का दाम लगाया, मैंने कहा 11 लाख लगाया, नहीं नहीं कम कर दीजिए, तुम तो ऐसे बात करोगे ना, ऐसे ही तो बात होती है कि कुछ और होती है, जरा बुक्स दिखाओ, कहाँ कहाँ ले गए थे कार को, क्या क्या, अरे भैया छोड़ो मारो गोली, हम 11 में दे रहे हैं, तुम ये बात करो ना, हमने कितने में खरीदी, तुमसे क्या लेना देना, हम ये तुम्हें 11 में बेच रहे हैं, तुम कहोगे बार्गेन करोगे 10 पर आ गए, ठीक है ले जाओ, 10.5 पर आ गए ले जाओ, जबकि मेरी बैलेंस शीट में कितने की दिख रही थी? 9 लाख, तो प्रॉफिट ऑन सेल हो गया, बाकी अगर 8 लाख में सौदा तय हुआ तो लॉस ऑन सेल हो गया, दिक्कत क्या है तुमको भाई इसमें? अब ठीक है, एक बात बताओ, हमें एक बात बताओ, मैंने कहा कि एसेट्स की वैल्यू है 10 लाख रुपए, मैंने 5 साल इसका वैल्यू लाइफ डिसाइड किया, कितना साल, आज डिसाइड करेंगे या 5 साल बाद डिसाइड करेंगे, कब डिसाइड करेंगे? हाँ, जब एसेट परचेस करके आते हैं तब ये डिसाइड करेंगे ये एसेट 5 साल चलेगी, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन तो आज से ही लगाना है, है कि नहीं? ये थोड़ी कि एसेट जब खत्म हो जाएगी तब डेप्रिसिएशन चार्ज कर, चलो पिछले 5 सालों में लगाओ डेप्रिसिएशन, ऐसे थोड़ी होता है। टुडे वी हैव टू स्टार्ट टू चार्ज डेप्रिसिएशन, यू कैन से दैट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, एज व्हेन द एसेट स्टार्ट टू यूज वी आर नीडेड टू चार्ज द डेप्रिसिएशन ओवर दैट। अच्छा, अब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, अब ये बताओ हमें लगता है 5 साल एसेट चलेगी, 5 साल बाद एसेट ऐसे ही फेंक देंगे या उसको बेच भी सकते हैं? वो भी एस्टिमेट नहीं कर सकते क्या, ये 5 साल बाद एसेट कितने में बेच सकते हैं? तुमने सोचा एसेट 5 साल चलेगी, तुमने सोचा 6 साल चलेगी, तुमने सोचा 10 साल चलेगी, ठीक है, तुमने सोचा 5 साल बाद इस एसेट को हम 1 लाख में बेच सकते हैं, नहीं सोच सकते,
ये जब एसेट काम करना बंद कर देगी तो एसेट को कितने में बेचेंगे? 1 लाख में। तो इसका मतलब ये हुआ 1 लाख तो हमको वापस मिल ही जाएगा, 1 लाख तो वापस मिल ही जाएगा। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन हमको कितना चार्ज करना चाहिए? 9 लाख। 10 लाख में से तो 1 लाख वापस मिल जाएगा, उसके लिए डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करें? हमें डेप्रिसिएशन का मतलब किस पर ले जाना है एसेट्स की वैल्यू को? प्रोडक्ट पर। 2 रुपया जो कम हो रहा था इस पर ले जाओ। तो आखिर 1 लाख तो वापस आ जाएगा, तो बचेगा क्या जो मेरा नुकसान होगा? 9 लाख। 9 लाख रुपए कोई तो प्रोडक्ट की कॉस्ट पर ले जाओगे। अब बात समझ में आई? तो हम लोग जो कहेंगे डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, क्या बोलेंगे? तो माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। ये हमारा फॉर्मूला है, ये SLM मेथड से है। किस मेथड से है? SLM मेथड कहता है कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। जो वैल्यू आएगी अब आपके पास वही डेप्रिसिएशन होगा SLM मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन से या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से। जैसे मैंने यहां पर क्वेश्चन बढ़ा दिया, स्क्रैप वैल्यू मैंने यहां पर लिख दिया 2 लाख, कितना लिख दिया? अब हमें बताओ डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करोगे? Now tell me what would be the amount of depreciation in this condition? इस condition में अब नया depreciation की value क्या होगी? तो depreciation is equal to cost of the asset 10 लाख minus scrap value, ये 2 लाख तो वापस आ ही जाएगा, यानी हमें 8 लाख depreciation charge करना है। कितने सालों में? 5 सालों में, यानी हर साल हम 1,60,000 minus करेंगे depreciation के नाम से। तो जो क्वेश्चन हमने 2,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 
समझ में आई बात? अच्छा एक बात बताओ, ये मेरी बैलेंस शीट है और ये मेरा पीएल अकाउंट है, हमने दो चीजें तैयार की, एक तो पीएल अकाउंट और एक बैलेंस शीट, हाँ या ना? पांच साल का बना दे, ये फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, पांच साल का हमने बैलेंस शीट और पांच साल का पीएल बनाया। हमने जैसे ही एसेट खरीदी, हम यहां लिखेंगे ना एसेट कितने की, 10 लाख की, डेप्रिसिएशन पहले साल का 1,60,000, स्क्रैप वैल्यू के साथ वाला 1,60,000। मैंने यहां से वैल्यू कम की एसेट्स की, ये वैल्यू यहां से धड़ाम माइनस होकर कहां गिरेगी, पीएल में, तो यहां हम लिख देंगे डेप्रिसिएशन कितना। अब बात समझ में आई, हाँ या ना? ये भी एसेट्स की डेबिट साइड वैल्यू होती है, पीएल का ये भी डेबिट साइड होता है। पहले भी डेबिट कितने का था, 10 लाख, अभी भी डेबिट देखो तो 8,40,000 अभी भी पड़ा हुआ है डेबिट में और 1,60,000 डेबिट में, अभी भी 10 लाख का डेबिट है, हाँ या ना? दिख रहा है ना? अच्छा, फिर अगले साल आए, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो ओपनिंग बैलेंस मैंने एसेट्स का लिखा 8,40,000, इसमें से दूसरे साल का डेप्रिसिएशन कितना, 1,60,000, कितना बचा, 680, और ये 1,60,000 माइनस होकर धड़ाम होकर के कहां गिरेगा, पीएल में, 1,60,000। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, पक्का। अब आते हैं फिर तीसरे साल, ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं,
680, इसमें से क्या माइनस कर दें, तो 5,20,000। अरे बोलो, 1,60,000 धड़ाम होकर के कहां गिरेगा, पीएल में चला जाएगा। एंट्रीज किए ही ऊपर, फिर बताएंगे, चिंता मत करना। ये तो समझ में आ रहा है ना, फिर आते हैं ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं कितना, 5,00,000, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, 1,60,000 कितना बचा, 360। अच्छा, यहां से डेप्रिसिएशन निकल करके यहां गिरा, अच्छा, फिर आते हैं ओपनिंग बैलेंस, इसमें से डेप्रिसिएशन कितना, ओ ओ, ये तो वही वैल्यू आ गई जो हमने सोचा था, एसेट्स को बेच देंगे 2,00,000 में, स्क्रैप वैल्यू, हाँ या ना, तो डेप्रिसिएशन यहां गिरा। अब बताओ 5 साल बाद उस एसेट्स की वैल्यू कितनी बची मेरे पास, 2,00,000, और हमने सोचा था ना 2,00,000 में बेच देंगे, तो बताओ कितने में बेचेंगे, कितने में भी बेच सकते, ये कैसे कहा 2,00,000 में, ये तो सोचा था, क्या किया था, सोचा था 2,00,000 में बेच लेंगे, क्या 2,00,000 में ही 5 साल बाद भी बेचोगे, हो सकता है इसको खरीदने वाला हमको केवल 1,00,000 दे, हो सकता है 50,000 दे, हो सकता है 5,00,000 देकर चला जाए भाई, बाकी जो बैलेंस होगा वो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट को। अब क्लियर है कंसेप्ट, तो बेसिक पर्पस ये समझाना था कि डेप्रिसिएशन का ये सिस्टम है कैसा, मेरी बात समझ में आई। तो हमने दो चीजें समझी कि पहला जो अभी अभी समझाने का पर्पस था SLM मेथड, उसमें मैंने उठाया एक फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में मैंने क्या लिखा था, कॉस्ट ऑफ द एसेट, हाँ या ना, हमने जो फॉर्मूला लिखा था ये लिखा था। अच्छा, इसका क्या मतलब है, कॉस्ट ऑफ द एसेट मींस क्या, अब ये भी तो पता हो कॉस्ट में क्या क्या चीजें लोगे। हम एसेट खरीदने गए अमेरिका, 5,00,000 रुपए यहां से हवाई जहाज का खर्च किया एसेट खरीदने, और वहां पर मैंने 2 करोड़ रुपए की एसेट फाइनल की, कितने की, तो 2 करोड़ की वो एसेट और 5,00,000 रुपए भाड़ा, तो क्या ये 5,00,000 भी उस 2 करोड़ में जोड़ दोगे, और अगर हम एसेट ना खरीद पाते तो, अगर एसेट मान लो हमने नहीं खरीदी तो ये 5,00,000 रुपए उस एसेट पर ही तो लगा, तो कहां ले जाएंगे इसको, लॉस में जाएगा, पीएल में जाएगा। अरे हाँ भाई, अगर एसेट के लिए खर्च कर रहा है, एसेट आ गई तब तो एसेट की कॉस्ट में जोड़ देंगे, भाड़े को भी, ट्रेवलिंग को भी उसी में ही जोड़ देंगे, हाँ या ना। लेकिन अगर एसेट नहीं आ पाई तो वो भाड़ा मेरे लिए बर्बाद हो गया, उसका कोई यूजफुल लाइफ नहीं है, उसको पीएल में ले जाएंगे, सत्यानाश कर देंगे उसका। अरे बोलो ना, तो कहने का मतलब कॉस्ट ऑफ द एसेट में क्या, ये जो हमारा टूर्स एंड ट्रेवल्स का था वो भी जोड़ोगे, जो एसेट 2 करोड़ की मैंने खरीदी वो भी जोड़ोगे, वहां से एसेट को मैंने उठाकर पोर्ट तक ले आएंगे वो भी जोड़ेंगे, क्योंकि एसेट क्या बिना पोर्ट पर आए यहां आ जाएगी, उस पोर्ट से लेकर के इंडिया के सी पोर्ट तक लाने में जो इंश्योरेंस लगेगा, फ्रेट लगेगा, कॉपी बाहर रखो, भगवान करे एग्जामिनेशन हॉल में भी तुम इसी तरह जल्दी चले जाओ, बुरा लगा, अब हम क्या करें, जो फ्रेट है हमारा सुधर जाओ तुम लोग, नहीं तो पछताने के फ्यूचर तो बहुत है, फिर पछताने के अलावा, विश्वास मानो जब आज से 4-5 साल बाद अगर बन गए तब तो अच्छी बात है, नहीं बन पाए तो केवल आंसू गिराने के अलावा कुछ नहीं होगा, केवल पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। अब तुम लोग अपना भविष्य सोच सकते हो, देख सकते हो, तुम लोग के आंखों के आगे आना चाहिए कि हमारा भविष्य कैसा होगा, कुछ अच्छा बनना है या फिर दूसरों की लातें ही खाते रहनी है लाइफ में, वो तुम्हारे ऊपर है, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है उसमें।
तो कहने का मतलब ये जो मेरा भाड़ा लगा हुआ यहां से वहां तक का वो, उसके बाद जो एसेट खरीदी वो, उस एसेट को पोर्ट तक पहुंचाया वो, पोर्ट से वो एसेट इंश्योरेंस फ्रेट ले करके इंडिया पोर्ट तक आई, इंडियन पोर्ट से हमारे यहां तक एसेट आई, वो सारा खर्चा उस एसेट की कॉस्ट में जोड़ते जाओगे। वो मशीन मेरे पास दरवाजे पर खड़ी है, उसको मैंने फिक्सेशन करवाया, क्या करवाया, फिक्सेशन करवाया, जाहिर सी बात है जमीन पे लगवाएंगे, ऐसे थोड़ी हवा में रख लेंगे, जमीन पे लगवाया, इलेक्ट्रिफिकेशन करवाया, उसके लिए उसका इंस्पेक्शन करवाया, ट्रायल रन लगवाया, गवर्नमेंट से सब्सिडी ली, हाँ या ना, इंजीनियर को कुछ पेमेंट दिया, वो सारी चीजें उस मशीन की कॉस्ट में जोड़ते चले जाओगे तब तक जब तक की मशीन रनिंग कंडीशन में ना आ जाए। क्या बोला मैंने, जब तक की वो मशीन रनिंग कंडीशन में ना आ जाए तब तक उस पर किए गए सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में जोड़ते जाओगे। ये जो मैंने लिखा है ना कॉस्ट ऑफ द एसेट, ऐसे ही नहीं लिखा है, इसके पीछे मीनिंग समझो, कौन कौन सी कॉस्ट जोड़ोगे वो समझ में आनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ द एसेट मीन्स क्या, ये सारी चीजें जोड़ोगे, जब तक कि वो एसेट रनिंग कंडीशन में ना आ जाए तब तक उस पर होने वाले सारे खर्चे हम उसकी कॉस्ट में जोड़ते चले जाएंगे। स्क्रैप वैल्यू, चलो यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ डिपेंड अपॉन द पर्सन हु यूज इट, इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हो सकता है इन तीनों ने एक जैसी एसेट खरीदी लेकिन वो कहती है कि हम 10 साल यूज करेंगे, ये कहती है 5 साल यूज करेंगे, ये कहती है 6 साल यूज करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू देयर एनालिसिस और थॉट दे विल स्टार्ट टू चार्ज डेप्रिसिएशन, और तीनों का डेप्रिसिएशन अलग आएगा और तीनों का सही आएगा। अब बात समझ में आई, तो एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट कैन बी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू मीन्स व्हाट, जब किताब पढ़ोगे तो वहां पर कभी कभी दिया रहता है स्क्रैप वैल्यू या फिर सेल्वेज वैल्यू, क्या दिया रहता है, सेल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू और सेल्वेज वैल्यू, जानते हो क्या होता है स्क्रैप वैल्यू क्या होता है और सेल्वेज वैल्यू क्या होता है? अरे स्क्रैप वैल्यू क्या, अगर हम अपनी मोटरसाइकिल कबाड़ वाले को बेच दें तो खरीद करके उस पर बुलडोजर ही चलाएगा, नहीं समझे, उसको हम कहते हैं स्क्रैप में बेच देना। और अगर मैंने किसी इसको बेच दी, ये आया कहता है सर हमें मोटरसाइकिल दे दी, मैंने इसको बेच दी तो ये बुलडोजर नहीं चलाएगा, ये उस एसेट को यूज करेगा, तो उसको हम कहते हैं सैल्वेज वैल्यू, यानी वो वैल्यू जो हमको मिली वो सैल्वेज वैल्यू, क्योंकि सामने वाला उस पर बुलडोजर नहीं चलाएगा बल्कि उसको रीयूज करेगा, और अगर उसको कबाड़ की तरह यूज करे तो उसको हम कहेंगे स्क्रैप वैल्यू। दोनों में फर्क समझ में आए, लेकिन मेरे लिए तो दोनों का मतलब एक ही होना चाहिए, मेरी यहां से एसेट गई पैसा आया बात खत्म, इसीलिए यहां पर दोनों का कोई मतलब नहीं है। टेक्निकली दोनों का मतलब है, टर्मिनोलॉजी अगर देखा जाए दोनों के सेंस में डिफरेंस होता है, बट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में कोई फर्क नहीं होता। अब समझ में आया ये, तो ये जो तीन फैक्टर्स थे जो मैं अलग अलग समझा था तुम लोग के, डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड को समझाने के साथ साथ ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग को नेक्स्ट सेशन से क्या देखना है, ये सारे मेथड स्टार्ट करने हैं। एसएलएम मेथड ऑन एन एवरेज मैंने बता दिया है पूरा, लेकिन फिर से एक बार स्टार्ट करेंगे और फिर सारे मेथड करते हुए चलेंगे। पक्का, थैंक यू बच्चों।